दोस्तों शुरुआत होती है एक राज्य से जिस राज्य का नाम है महादेशम, जो कि सब राज्यों में सबसे ज्यादा बड़ा राज्य था। शुरुआत में ही वहाँ के राजा पर भेंट देने के बहाने आक्रमण हो गया, जिससे राजा बालवाल बचा तथा वो हमला सूर्यवंशी जाति वाले लोगों ने किया था, क्योंकि महादेशम राज्य में सूर्यवंशी जाति के लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। इतना खतरा देखकर राजा ने अपने मंत्री जिसका नाम भुजंगा था उससे कहा कि जल्दी ही इस जाति के लोगों को खत्म करने का इंतजाम करो। महादेशम बहुत बड़ा राज्य था, इसलिए भुजंगा ने आदेश दिया कि इस राज्य में एक युद्ध कराया जाएगा, जिसमें हर राज्यों में से दो या तीन लोग आएंगे और जो युद्ध में जीतेगा उसको महायोद्धा कहा जाएगा। पहले जमाने में खबर पक्षियों द्वारा पहुंचाई जाती थी, सभी पक्षी ये खबर देने के लिए चले गए। तभी दूसरा कबीला दिखाया जाता है, जहां दूसरे कबीले के लोग रहते थे, जहां पानी की कमी थी और सभी को पानी हिसाब से दिया जाता था और बाद में उस जगह ताला लगा दिया जाता। तभी चुपके से एक लड़का पानी की चोरी करने आया, लेकिन कबीले वालों ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। लड़का बहुत फुर्तीला था, आसानी से हाथ नहीं आ रहा था, उसकी वजह से एक घर भी टूट गया था। तभी कबीले के सरदार के पास चील खत लेकर आ गई। कबीले के सरदार ने खत पढ़ा और अपने कबीले के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि महादेशम राज्य से खत आया है और अपने राज्य से किन्हीं तीन लोगों को बुलाया है, जो बहादुर हो वो आगे आ जाए। लेकिन उस कबीले से किसी ने भी जाने के लिए हाथ नहीं उठाया। तभी किसान नाम के लड़के ने हाथ उठाया, उसे देखकर एक और बहादुर आदमी ने हाँ कर दी। उस कबीले में एक सूर्यवली नाम का लड़का भी था, जिसे कबीले में कोई पसंद नहीं करता था। उसने महादेशम का नाम सुना और जाने के लिए हाँ कर दी। उसी दिन तीनों की जाने की तैयारी होने लगी, जिसमें कि किसान और सूर्यवली के माता पिता नहीं थे। किसान अपनी माता को बहुत याद करता था। तभी सरदार सूर्यवली को टूटा हुआ भाला देता है, जो उसके पिता का था। तीनों निकल पड़े और रेगिस्तान में पहुंच गए। तभी वहां पर एक बिच्छू अपने डंक से तीसरे लड़के को मार दिया। सूर्यवली पहले ही युद्ध में ये सब देख चुका था, इसलिए उसको उनसे लड़ना आता था। उसने बिच्छू का एक डंक भी काट दिया। डर के मारे बिच्छू वहां से भाग गए। अब उन्हें महादेशम में हिस्सा लेने के लिए किसी तीसरे की जरूरत थी। तभी किसान सूर्यवली से पूछता है कि कबीले में आपको कोई पसंद नहीं करता, फिर भी तुम कबीले के लिए लड़ने क्यों जा रहे हो? सूर्यवली ने कहा कि मैं उनके लिए नहीं बल्कि भुजंगा को मारने जा रहा हूँ, क्योंकि जब युद्ध हुआ था तो हमने राहु जाति की सेना को हरा दिया था, लेकिन भुजंगा ने हमारे साथ गद्दारी की। वो हमारी सेना में होते हुए भी उसने हमारी सेना को मरवा दिया और सूर्यवंशी जाति को खत्म करने की कोशिश की, इसलिए मैं उस जाति का आखिरी बचा हूँ। मुझे राहु वंश से काफी नफरत है। इधर भुजंगा प्लान बना रहा था कि महायुद्ध के बहाने वो सूर्यवंशी जाति को खत्म कर देगा। सूर्यवली और किसान आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें वहां एक लड़की के पीछे कुछ लोग दिखे जो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी रेगिस्तान में भूकंप आ गया, सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और सभी तूफान खत्म होने का इंतजार करने लगे। तूफान खत्म हुआ, सूर्यवली ने किसान को ढूंढा और दोनों बहुत खुश हुए। दोनों चलते चलते महादेशम पहुंच गए और वहां की सैर करने लगे, जहां कुछ लोगों को पिंजरे में बंद कर दिया था, क्योंकि वे लोग लड़ाई में हारे हुए थे। सभी योद्धा एक जगह बैठे हुए थे। तभी वो लड़की भी वहां आती है, लेकिन आते ही कुछ लोगों से लड़ाई भी हो गई। किसान उस लड़की की मदद के लिए सोचता है, लेकिन सूर्यवली उसे रोक देता है। तभी वह भुजंगा अपने कुत्ते के साथ आता है और सभी लोग झुक जाते हैं। सूर्यवली झुकने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन किसान उसे जबरदस्ती झुका देता है। भुजंगा ने सभी योद्धाओं को समझाया कि जो प्रतियोगिता में हारेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा और उसे मार भी दिया जा सकता है। अगले दिन को एक पिंजरे के बाहर भीड़ लगी थी। वहां पिंजरे में दो लड़कियां बंद थीं, जिनमें आपस में लड़ाई होने वाली थी। शर्त ये थी कि दोनों में से एक ही जिंदा रहेगी। दोनों लड़कियों में लड़ाई होने लगी और उनमें से एक लड़की ने दूसरी लड़की को मार दिया। जो लड़की जीती उसकी बोली लगने लगी, जिसे सूर्यवली को खरीदना पड़ा। अब किसान और सूर्यवली को किसी तीसरे योद्धा की जरूरत थी। तभी वह रेगिस्तान वाली लड़की आई और उनसे अपना नाम चुटकी बताया और अपने आप को शामिल करने को कहा। सूर्यवली ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन किसान ने सूर्यवली को मना लिया और लड़की को अपने समूह में शामिल कर लिया। रात को सभी आराम करने लगे। तभी जो लड़की सूर्यवली ने खरीदी थी वो सूर्यवली को मारना चाहती थी, क्योंकि जो भाला सूर्यवली के पास था उसी भाले से उसके पिता को मारा था। ये जानने के बाद सूर्यवली ने कहा कि मैं पहले भुजंगा को मार दूं, फिर तुम मुझे मार देना। लड़की इस बात से सहमत हो गई। अगले दिन प्रतियोगिता की तैयारी होने लगी, सभी योद्धा हिस्सा लेने के लिए आ गए। तभी भुजंगा सबको बताता है
कि इस प्रतियोगिता में 3 लेवल हैं, जो जीतेगा वही दूसरे लेवल पर जाएगा। फिर सभी योद्धा के समूह को आपस में जंजीरों से बांध दिया और उनको एक साथ ही जंजीरों के ऊपर से चलकर जाना था। सभी जंजीरों के ऊपर कूद गए और लड़ाई करते करते आगे बढ़ने लगे। जंजीरों को घुमाने का आदेश दिया जिससे प्रतियोगिता कठिन होती जा रही थी। फिर जंजीरों पर लोहे के गोले छोड़ दिए जिनके बीच कई योद्धा दबकर मर गए और कुछ बड़ी मुश्किल से बचे। तभी पहले नंबर पर लड़कियों का समूह आया और दूसरे नंबर पर सूर्यवली का समूह आया। अब 2 टीमें रह गईं जिनमें किसी एक को तीसरे नंबर पर आना था। तीसरे समूह ने अपने एक साथी की टांग की कुर्बानी दी और तीसरे नंबर पर आ गए। बाकी हारे हुए लोगों को लोहा गर्म करके लगाया जा रहा था। भजंगा सबको इनाम देने लगा। सूर्यवली भजंगा को मारने ही वाला था तभी किसान ने उसको रोका कि अगर तुमने इसे मारा तो हमारे साथ छुटकी मारी जाएगी। सूर्यवली उस समय रुक गया, लेकिन भजंगा को सूर्यवली के भाले से पता लग चुका था कि वो सूर्यवंशी जाति का है। इसलिए उसने सूर्यवली को मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा, लेकिन सूर्यवली ने उन लोगों को मारकर भगा दिया और बच गया। रात को सूर्यवली किसान और छुटकी से कहता है कि तुम चले जाओ, मैं भजंगा को अकेला ही मार दूंगा। लेकिन वे दोनों सूर्यवली से कहते हैं कि अब हम एक समूह हैं, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते, हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। तभी रात में जो लड़की सूर्यवली ने खरीदी थी उसने सभी पिंजरे वाली लड़कियों को आजाद कर दिया और खुद पिंजरे में जाकर बैठ गई। फिर अगले दिन अगला पड़ाव ये था कि जो भी ड्रैगन के अंडे को पहले लेकर आएगा वही विजेता माना जाएगा। तीनों टीमें ड्रैगन का अंडा लेने के लिए निकल पड़ी। सूर्यवली ने अपनी टीम को समझाया कि ये ड्रैगन बहुत ही खतरनाक है क्योंकि कुछ साल पहले ये हमारे राज्य की रक्षा करता था, इसलिए इसके सर पर एक ताज भी है। जैसे ही वे तीनों गुफा में गए तो एक जहरीले फूल का जहर सूर्यवली के अंदर चला गया जिसकी वजह से सूर्यवली काला पड़ने लगा। उसने बताया कि गुलाबी रंग की दवाई इस गुफा में है, उसी से मैं बच सकता हूँ। किसान और छुटकी उस दवाई को ढूंढने निकल पड़े। लड़कियों वाली टीम को गुफा में बेलों ने जकड़ लिया और वहां से बचना नामुमकिन था। तभी तीसरी टीम को वो अंडा मिल गया और वे अंडा लेकर भागने लगे। तभी वह ड्रैगन आ गया, उसकी वजह से अंडा उनके हाथ से छूट गया और वो छुटकी के हाथ में आ गया। ड्रैगन छुटकी और किसान के पीछे पड़ गया। वे दोनों गुफा में ऊपर फंस गए और उनके नीचे ड्रैगन फंस गया जिसके ऊपर वो दवाई थी। तुरंत किसान ने दवाई ले ली और नीचे गिर पड़े। ड्रैगन उनको पकड़ने के चक्कर में गुफा में फंस गया। तभी किसान ने दवाई सूर्यवली को दी तो सूर्यवली एकदम से ठीक हो गया। तभी किसान को ड्रैगन पर दया आ गई और वो उसे फंसा छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए वो उसे निकालने चला गया। ये देखकर छुटकी भी उसके साथ चली गई। किसान ने छुटकी के साथ मिलकर उस ताज को ड्रैगन से अलग कर दिया जिसकी वजह से ड्रैगन निकल पाया। ड्रैगन ने जैसे ही सूर्यवली का भाला देखा तो वो रुक गया। तभी किसान ने ड्रैगन से कहा कि हमें अंडे से प्रतियोगिता जीतनी है, उसे जीतकर हम अंडे को वापस कर जाएंगे। ड्रैगन इस बात से सहमत हो गया और उसने अपने अंडे को ले जाने दिया। वहां जाकर वे प्रतियोगिता जीत गए। तभी भजंगा ने कहा कि महायोद्धा तो कोई भी एक बनेगा, इसीलिए आपस में तुम्हें लड़ना होगा, जो जिंदा बचेगा वो ही महायोद्धा बनेगा। ये सुनकर तीनों दंग रह गए क्योंकि आपस में वे नहीं लड़ना चाहते थे। तभी वहां एक औरत आई और उसने उन तीनों से रहस्यमय जंगल में जाने को कहा और कहा कि वहां तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल जाएंगे। वे सब उस जंगल में पहुंच गए। जंगल में सूर्यवली को सूर्यवंशी जाति का बताया और किसान को राहु जाति का। ये सुनते ही सूर्यवली को गुस्सा आ गया क्योंकि वो राहु जाति से नफरत करता था। ये देखते ही सूर्यवली वहां से चला गया। छुटकी ने उसे रोकने की काफी कोशिश की लेकिन उसने छुटकी को ही झटक दिया। तभी नीली लड़की किसान को बताती है कि तुम्हें सूर्यवली का साथ देना होगा और भजंगा को मरवाना होगा, इसलिए तुम राहु वंश जाओ और अपने पिता के साथियों को इकट्ठा करो और राहु वंश के राज्य को बचाओ। तभी सूर्यवली को आते समय वो खरीदी हुई लड़की मिली। उसने कहा कि मैं तुमसे नफरत करती थी लेकिन जब तुम्हें प्यार से आपस में रहते देखा तो मैंने अपना फैसला बदल दिया। फिर वो लड़की वहां से चली गई। सूर्यवली छुटकी को ढूंढने लगा लेकिन छुटकी को भजंगा ने अपने साथियों के साथ मिलकर घेर लिया और उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़े। छुटकी कुछ देर तक तो उनका लड़कर सामना करती है लेकिन इतने लोगों से वो अकेली कैसे लड़ सकती थी। तभी वहां सूर्यवली आ गया और छुटकी को बचाने की कोशिश करने लगा लेकिन छुटकी तो भजंगा अपनी तलवार के नीचे पकड़े हुए था, इसीलिए उसने सूर्यवली से हथियार फेंकने को कहा, नहीं तो वो छुटकी को मार देगा। सूर्यवली बेबस होकर अपने आप को भजंगा के हवाले कर देता है लेकिन फिर भी भजंगा ने चुटकी को सूर्यवली के सामने ही मार दिया और सूर्यवली को घसीटते हुए महादेशम ले गया।
तभी किसान चुटकी को ढूंढते हुए आया और उसने उसे ऐसी अवस्था में देखा तो बहुत उदास हुआ, क्योंकि चुटकी की किसान के हाथों में ही डेथ हो गई। अब किसान सूर्यबली को बचाने के लिए महादेशम पहुंच गया और जो योद्धा हारे हुए थे उसने उनको बता दिया कि भुजंगा राजा को मारना चाहता है, हमें भुजंगा से राजा को बचाना होगा। इधर सूर्यबली बंदी बना हुआ था और भुजंगा उसे फांसी पर लटकवाने वाला था। तभी किसान ने राजा से गुजारिश की कि मुझे सूर्यबली से लड़ने दिया जाए, मैं उसे मारना चाहता हूँ। भुजंगा ये नहीं चाहता था, लेकिन राजा ने आदेश दे दिया। किसान ने सूर्यबली से बताया कि मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तभी भुजंगा ने लोहे के चक्कर फेंकने का आदेश दे दिया, जिससे किसान मुश्किल से बच पा रहा था। भुजंगा समझ गया कि किसान सूर्यबली के साथ है और उसने अपने आदमियों से लड़ाई छिड़वा दी और भुजंगा राजा को बचाने के बहाने ऊपर वाले कमरे में ले गया और राजा को ऊपर ही बंद कर दिया। राजा को पता चल गया कि भुजंगा राजद्रोही है। नीचे आकर भुजंगा ने अपना डॉग किसान और सूर्यबली को मारने के लिए छोड़ दिया। डॉग सूर्यबली को मारने ही वाला था, इतने में पिंजरे वाली लड़की आ गई और उसने डॉग की एक आंख फोड़ दी। डॉग ने उस लड़की को फेंक दिया। बाद में सूर्यबली ने उस डॉग को मार डाला। इधर भुजंगा ने महल में तेल के सारे रास्ते खोल दिए। थोड़ी देर में पूरे राज्य में तेल ही तेल फैल गया। आग लगने से पहले ही भुजंगा हाथ विमान से उड़ गया, लेकिन उस विमान पर किसान भी आ गया और भुजंगा को गिराने की कोशिश करने लगा। पूरे महल में आग लग चुकी थी, राजा का दम भी घुट रहा था। तभी सूर्यबली राजा को बचाने के लिए दरवाजा खोलने गया, लेकिन दरवाजा सब तरफ से लॉक था। वहां पर आग लगने से पहले ही सूर्यबली ने राजा को वहां से निकाल लिया तथा एक योद्धा आग में जल गया और मारा गया। उधर भुजंगा भी अपने विमान से नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही सूर्यबली ने भुजंगा को तुरंत मार डाला। लड़ाई खत्म होने के बाद राजा ने सूर्यबली को महायोद्धा बना दिया और महल में चुटकी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई और किसान भी अपने राहुवंश लौट गया। यहीं पर कहानी का अंत हो गया। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा।